राजधानी में नाबालिग पर पुलिस की बर्बरता, भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर उठे सवाल। बड़े भाई पर लगे आरोप मामले में घर पहुंचे पुलिस ने नाबालिग से किया मारपीट। एक दो नहीं बल्कि तीन से चार स्टाफ ने किया 16 वर्षीय दीपांशु के साथ अभद्र व्यवहार। यह मामला है भोपाल के सुखसागर कॉलोनी का, जहां के मकान क्रमांक 42 में रहने वाले मालवीय परिवार के 16 वर्षीय दीपांशु के साथ पिपलानी थाना पुलिस ने न सिर्फ मारपीट किया बल्कि अपशब्दों के प्रयोग कर उसे बिना कसूर जेल भेजने की धमकी दी गई। घटना के संबंध में जब हमारी टीम ने पीड़ित से मुलाकात कर बात की, तब डरे सहमे दीपांशु ने अपने शरीर पर लगे चोट को दिखाते हुए जो आप बीती सुनाई है, जरा आप भी सुने। पारिवारिक विवाद या कोई झगड़ा था आपके भाई का, जिसको पूछताछ कर रहे थे, उनके ना मिलने पे आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, क्या हुआ था? सर, हुआ ये था कि पुलिस वाले आए, उनने पूरे घर पे सर्च करा, पहले नहीं मिले तो फिर मुझसे गाली गलौज करके बोलने लगे कहाँ पर है, तुम बेवकूफ बनाते हो हमें सब ऐसा। और फिर सर मेरे को डंडे से मार के धक्का मुक्की, मतलब धक्का वगैरह दिया और चाटे वगैरह मार। तो चोट लगी आपको कहीं? सर हाथ में लगी, सर पे पीछे लगी। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल है। कौन से कक्षा में पढ़ते हो? मैं 11th क्लास। एक मासूम के ऑन कैमरा दिए गए इस बयान की माने तो एक तरफ शासन प्रशासन महिलाओं और नाबालिग बच्चों को न्याय दिलाने की बात करती हो, और वहीं प्रदेश सरकार जिस कानून व्यवस्था की बात हर मोर्चे पर करते नजर आते हैं, ऐसे में जनता के रक्षक कहे जाने वाले पुलिस अगर इस तरह का मिसाल पेश करती है तो निसंदेह यह माना जा सकता है कि सरकार की बातें और कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है। IPP न्यूज के लिए भोपाल से एल्विन गेस्ट की रिपोर्ट।